नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। रीवा में इन दिनों लोकायुक्त कार्रवाई बढ़ गई है। जी हाँ, लोकायुक्त ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। रीवा में इस समय रिश्वत के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज एक बड़ी खबर मैं उसी से जुड़ी हुई बताना चाह रहा हूँ आपको। रीवा के राजनिवास में, जहाँ पर VVIP लोगों का आना जाना रहता है, कल ही विधानसभा अध्यक्ष उस सर्किट हाउस में मौजूद थे। आज वहीं पर एक सरपंच को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 50,000 नकद, 1,500 का उसने चेक लिया था। मामला बहुत सीधा साधा था। गांव के ही एक व्यक्ति के घर के सामने शौचालय बना हुआ था, सार्वजनिक शौचालय था, सरकारी जमीन में थी। उस सरपंच ने इसको कहा कि अगर इस शौचालय को तोड़वा दिया जाएगा और यहाँ सड़क निकाल दी जाएगी तो आपकी ज़मीन की कीमत हो जाएगी, काफ़ी कीमती आपकी ज़मीन हो जाएगी। रीवा से लगा हुआ इलाका है। मैं आपको घटना स्थल पर भी ले चलूँगा, राजनिवास के अंदर ट्रैप की जगह पर भी ले चलूँगा और दिखाऊँगा वहाँ पर किस तरीके से लोकायुक्त ने अपनी कार्रवाई की। राम द्वारी के सरपंच नरेंद्र शुक्ला द्वारा शासकीय भूमि पर निर्मित सार्वजनिक शौचालय प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत जो निर्माण कराया गया था, उसको गिराने के एवज में शिकायतकर्ता से 4 लाख रुपए की डिमांड की थी। आगामी कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए पर सहमति उनकी बनी कि 2 लाख रुपए हमको दे दीजिए। आज 50,000 रुपए नगद एवं 1,500,000 रुपए का चेक लेते हुए रंगे हाथ सरपंच द्वारी नरेंद्र शुक्ला को ट्रैप किया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। हाँ, द्वारी में घर बना था, उसके बगल में एक जमीन पड़ी थी सरकारी, उसमें इन्होंने हमारे घर के बिल्कुल सामने लेटरिन बाथरूम बनाया। हम मना किए तो नहीं माने। मना करने के बाद फिर ने फ़ोन किया हमको, तो आप 2 लाख रुपए दे दो तो ये गिर जाएगा, रोड रुक रही है दोनों तरफ से। हमने कहा कि नहीं भाई, 2 लाख हमारे पास नहीं। फिर इन्होंने दोबारा फिर फ़ोन करवाया और बोला कि 4 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख दे। फिर हमने कहा नहीं है, 2 लाख हम दे सकते। फिर इन्होंने 2 लाख में वो किया, तो हमने 50 आज दिया था। चेक भी दिया ना आपने? चेक 1,500,000 का चेक।